नमस्कार सलाम, मैं हूं मुकुल सरल। 23 मार्च शहीद भगत सिंह को याद करने का दिन है, शहीद सुखदेव और राजगुरु को याद करने का दिन है। लेकिन हम इन्हें कैसे याद करें? क्या भगत सिंह, जिन्हें शहीदे आजम कहा गया, उन्हें उनकी साम्यवादी समाजवादी विचारधारा से काट कर याद किया जा सकता है? क्या इन शहीदों को क्रांति के नारे, इनकलाब, जिंदाबाद को बुलंद किए बिना याद किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके विचार, इनके नारे ही थे जिसने आजादी को नए मायने दिए। लेकिन आज आजाद भारत में इन क्रांतिकारियों, खासकर भगत सिंह को उनकी विचारधारा से ही काट देने का षड्यंत्र चल रहा है। कहीं उनके माथे पर तिलक लगा दिया जाता है, कहीं उन्हें केसरिया पगड़ी पहना दी जाती है, कहीं वंदे मातरम के नारे में गुम कर दिया जाता है, जबकि वे भगत सिंह थे, भक्त सिंह नहीं। भगत सिंह को जानने के लिए मैं नास्तिक क्यों हूं और उनकी जेल डायरी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं नास्तिक क्यों हूं पर हम पहले वीडियो कर चुके हैं, इसे आप न्यूज क्लिक पर देख सकते हैं। आज हम आपके सामने भगत सिंह की जेल डायरी के हवाले से कुछ बातें रखना चाहते हैं। ये वो जेल डायरी है जो इस बार विश्व पुस्तक मेले में आम लोगों के देखने के लिए रखी गई, डिस्प्ले की गई। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बुक फेयर यानी विश्व पुस्तक मेला भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जिक्र क्यों? दिल्ली के प्रगति मैदान में 25 फरवरी से 5 मार्च तक लगे इस मेले की थीम पवेलियन में भगत सिंह की मूर्ति और जेल डायरी का डिस्प्ले किया गया। उनके हाथ से लिखी जेल डायरी को एक कपड़े में लपेटकर एक शीशे के शोकेस में रखा गया था। पास ही जंजीरों में जकड़े भगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी, उन्हें पगड़ी पहनाई गई थी। हालांकि उन्होंने अपने आखिरी समय में, क्रांतिकारी जब उनका एक दौर था, उस अंतिम समय में उन्होंने अपने केश काट दिए थे, अपनी पगड़ी हटा दी थी। यही वजह है कि उन्होंने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों। खैर, जेल डायरी का डिस्प्ले एक अच्छा प्रयास था जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा झोल था। झोल क्या था? हमें भगत सिंह की जेल डायरी तो देखने को मिली, क्योंकि वो शोकेस में थी तो उसे पढ़ा तो नहीं जा सकता था, लेकिन उनके विचार वहां कहीं भी डिस्प्ले नहीं किए गए थे। उनके विचार वहां से नदारद थे। इनकलाब का नारा वहां से गायब था। नारा था तो सिर्फ वंदे मातरम, लेकिन मातृभूमि की वंदना क्यों करनी चाहिए? देश क्या है, राज्य क्या है, शासन का क्या स्वरूप होना चाहिए, जनता के शासन का क्या मतलब है, इस सबको भगत सिंह के विचारों से ही समझा जा सकता है। इसलिए सिर्फ उनकी जेल डायरी को वहां शोकेस कर देना, उसे सजा देना ही काफी नहीं, बल्कि उनके समाजवादी प्रगतिशील विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसकी आज पहले से भी ज्यादा जरूरत है, यही महत्वपूर्ण बात है। जेल डायरी दरअसल भगत सिंह की नोटबुक है जिसमें उन्होंने अपने जेल के दिनों में जो कुछ पढ़ा समझा उसे संक्षेप रूप में दर्ज किया। यानी भगत सिंह या उनके क्रांतिकारी विचार कैसे बने, इसे इस जेल डायरी को पढ़कर समझा जा सकता है। मेरे हाथ में है यह भगत सिंह की जेल डायरी, जिसे उनके पौत्र यादविंदर सिंह संधू ने प्रस्तुत किया है। इसमें न सिर्फ भगत सिंह और उनसे जुड़े लोगों के नायाब चित्र हैं, आप देख सकते हैं, उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, सरदार किशन सिंह, शहीद भगत सिंह के पिताजी, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार अजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के चाचा जी जिनसे वो बहुत प्रभावित थे, उनकी माता जी शहीद श्रीमती विद्यावती, पंजाब माता के रूप में ये विख्यात हैं, सरदार कुलबीर सिंह, शहीद भगत सिंह के छोटे भाई, और ये हैं बालक शहीद भगत सिंह, ये लड़कपन का फोटो है उनका, तरुण शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का एक प्रभावी चित्र, ये हमें उनका पगड़ी में अंतिम चित्र मिलता है, और उसके बाद ये एक चित्र है जो तरुण भगत सिंह है पहली बार गिरफ्तारी होने के बाद जेल में, और उसके बाद उन्होंने ये वेश धारण कर लिया।
शहीद, यही उनका हमें अंतिम और अत्यंत लोकप्रिय चित्र मिलता है जिसमें वो हैट लगाए हुए हैं। उन्होंने केश काट दिए थे, पगड़ी उतार दी थी। शहीद भगत सिंह का अत्यंत लोकप्रिय चित्र। इन चित्रों के अलावा इस जेल डायरी जो प्रकाशित हुई, उनकी मूल जेल डायरी तो आपको मैं दिखाऊंगा, इस तरह से लिखी गई है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद उसके साथ साथ इस प्रकाशित जेल डायरी में दिया गया है। इस जेल डायरी में उनके कुछ पत्र भी शामिल हैं जिसे उन्होंने अपने दादाजी को लिखा, भाई को लिखा या फिर फांसी से पहले अपने साथियों को लिखा। इसमें पंजाब के गवर्नर को लिखा वह खत भी शामिल है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खुद को युद्ध बंदी कहते हुए फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की मांग करते हैं। क्या जज्बा था, क्या हौसला था। बार बार सलाम करने को जी चाहता है, कोई डर नहीं, मौत का कोई खौफ नहीं, माफी की मांग नहीं, रिहा करने की अपील नहीं, बल्कि ये तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं, पंजाब के गवर्नर, उस समय के गवर्नर अंग्रेज शासन के, उसके लिए लिखते हैं, हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है, इस दृष्टि से हम युद्ध बंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। क्या जज्बा था। तीनों क्रांतिकारी एक साथ शहीद हुए, लेकिन भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा जाता है, इसे भी आज जानना जरूरी है। और वो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके विचार जो आज भी हमें प्रेरित और प्रेरणा दे रहे हैं। उनके नेतृत्वकर्ता और दूरदृष्टा होने की गवाही देते हैं विचार। उनके साथी क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु का खुद ऐसा मानना था। भगत सिंह के साथी, ये किताब का नाम है जो वाम प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं तीन शोध छात्र, प्रबल सरन अग्रवाल, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंकुर गोस्वामी। सुखदेव चैप्टर में वे लिखते हैं, सुखदेव के हवाले से, कि सुखदेव को दल यानी HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में सबसे अधिक प्रेम भगत सिंह से था। जब पार्टी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया तो उसमें भगत सिंह को शामिल नहीं किया, क्योंकि सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस भगत सिंह पर पैनी नजर रखे हुई थी। सुखदेव को जब इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध यह कहते हुए किया कि पकड़े जाने के बाद अदालत के मंच से दल के सिद्धांत, आदर्श, उद्देश्य और बम विस्फोट के राजनीतिक महत्व की भली प्रकार से चर्चा करने की क्षमता भगत सिंह की ही है। यानी वो चाहते थे कि भगत सिंह इसमें शामिल हों। वजह उन्होंने साफ की और यह काम भगत सिंह ने बखूबी निभाया भी। यही वजह है कि भगत सिंह शहीद आजम कहलाए, शहीदों के सिरमौर। मूल जेल डायरी से अलग इस किताब की शुरुआत भगत सिंह के इस विचार से होती है कि वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं भगत सिंह की विचार यात्रा पर, उनके जेल डायरी की ओर। जैसा मैंने पहले कहा कि यह एक नोटबुक है जिसमें उनके अपने विचार नहीं बल्कि आजादी, न्याय, बराबरी आदि के बारे में महान दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों और नेताओं के विचार हैं, जिनके प्रभाव से उनके अपने विचार या विचारधारा बनी, उनकी सोच और समझ विकसित हुई। इसी जेल डायरी में एक फुटनोट में इसका इस तरह उल्लेख किया गया है। क्या लिखा गया है? कि भगत सिंह ने अपने 404 पृष्ठ की नोटबुक में, जी हाँ, उन्हें 404 पृष्ठ की ये नोटबुक जेल में दी गई थी, इसमें उन्होंने अपने अध्ययन के विभिन्न विषयों को दर्ज किया है। उनके नोट्स का एक हिस्सा राज्य के विज्ञान पर स्वतंत्रता और संप्रभुता के अवधारणाओं और उनके विकास पर तथा उसकी निरंतरता में फ्रांसीसी क्रांति और सोवियत पर केंद्रित रहा। दूसरे हिस्से में विभिन्न विविध विषयों पर उनकी टिप्पणियां और पुस्तकों के पैराग्राफ दर्ज हैं।
लेकिन इन सब में एक सामान्य सूत्र यह है कि ज्यादातर तत्कालीन भारतीय स्थितियों और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में है। यहां यह भी दर्ज है कि अगर समय या अवसर मिलता तो इनका विकास कैसे होता, यह सोचना अद्भुत है, वाकई अद्भुत है कि इतनी कम उम्र में भगत सिंह ने कितना पढ़ लिया था और कैसी गहरी समझ विकसित कर ली थी जो आने वाली नस्लों को भी लगातार प्रेरणा दे रही है। जेल नोट्स एक लाल कपड़े के आवरण वाली नोटबुक में लिखे गए हैं। इसमें जैसे मैंने बताया 404 पृष्ठ हैं। नोटबुक के पहले पन्ने पर दर्ज प्रविष्टि से पता चलता है कि यह नोटबुक जेल के अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को 12 सितंबर 1929 को दी गई और आप जानते ही हैं कि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। इतने कम अंतराल और जेल में बंद रहते हुए भी कितना कुछ और कैसा साहित्य पढ़ते रहे, इसे सोचकर ही हैरत होती है। इसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि भगत सिंह के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो यह एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी प्रेरणा, हिम्मत और ताकत उन्हें कहां से मिली। उनकी उम्र 24 वर्ष भी नहीं थी और उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। इस किताब से हमें इन प्रश्नों का उत्तर पाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। आपको बता दूं कि यह नोटबुक भगत सिंह की अन्य वस्तुओं के साथ उनके पिता सरदार किशन सिंह को भगत सिंह की फांसी के बाद सौंपी गई थी। सरदार किशन सिंह की मृत्यु के बाद यह नोटबुक भगत सिंह के अन्य दस्तावेजों के साथ उनके यानी सरदार किशन सिंह पुत्र श्री कुलबीर सिंह और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री बाबर सिंह के पास आ गई। बाबर सिंह का ही सपना था कि भारत के लोग भी इस जेल डायरी के बारे में जानें, उन्हें पता चले कि भगत सिंह के वास्तविक विचार क्या थे, भारत के आम लोग भगत सिंह की मूल लिखावट को देख सकें। आखिर वे प्रत्येक जाति धर्म के लोगों, गरीबों, अमीरों, किसानों, मजदूरों सभी के हीरो थे। वाकई वो सभी के हीरो थे। इस जेल डायरी के पेज नंबर 11 पर वो एंगल्स के हवाले से दर्ज करते हैं कि राज्य में जोर जबरदस्ती करने की राजकीय शक्ति होती है जो इसके सदस्यों के संपूर्ण समूह से पृथक होती है। राज्य के बाद वो लिखते हैं अच्छी सरकार की परिभाषा। ये टिप्पणी है हेनरी कैंपबेल बैनरमैन की। क्या है कि अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकती। आजादी और अंग्रेज, भगत सिंह एक आयरिश लेखक के हवाले से इसमें दर्ज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने खुद कहा था, उनके अंग्रेज की परिभाषा भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह भूरे अंग्रेज राज करने लगे या काले अंग्रेज राज करने लगे तो कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने जो चेतावनी दी थी और जो बात बताई थी उसी बात को वो एक आयरिश लेखक के हवाले से अपनी नोटबुक में दर्ज करते हैं। लिखते हैं, अंग्रेज आज़ादी को स्वयं अपनी खातिर ही प्यार करते हैं। वे अन्याय की सभी कार्रवाइयों से घृणा करते हैं सिवाय उनके जो वह स्वयं करते हैं। वैसे आज़ादी प्रेमी लोग हैं कि कांगो में दखलंदाजी करते हैं और बेलजेनियों पर शर्म शर्म चिल्लाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनकी एड़ियां भारत के गर्दन पर हैं। श्रम का अधिकार, ये सब जो विचार उन्होंने दर्ज किए और पूरी विचार यात्रा जो उनकी शुरू से आखिर तक चली भगत सिंह की, जिस तरह उनकी विचार वैचारी की निर्मित हुई, उस सब का एक हवाला, एक उस सब का एक सुराग यहां मिलता है। रॉबर्ट जी इंगरसोल, श्रम का अधिकार। जो कोई भी कठिन श्रम से कोई चीज पैदा करता है उसे बताने के लिए खुदा के किसी पैगाम की जरूरत नहीं कि पैदा की गई चीज पर उसी का अधिकार है। मार्क ट्वेन के हवाले से वह लिखते हैं, हम इसे भयानक मानते हैं कि लोगों के सिर कट जाएं, लेकिन हमें उस मृत्यु के खौफ के बारे में नहीं बताया गया है जो गरीबी और अत्याचार द्वारा व्यापक आबादी पर थोप दी गई है। क्रांति की परिभाषा, कार्ल कोट्स्की की टिप्पणी वो दर्ज करते हैं कि क्रांति की अवधारणा को पुलिसिया व्याख्या के रूप में नहीं लेना चाहिए, यानी उसे सशस्त्र विद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। कोई दल पागल ही होगा जो सैद्धांतिक रूप से विद्रोह के इस तरीके को चुनेगा। तो लोकतंत्र, समाजवाद, क्रांति की परिभाषा, मजदूर, मानव जाति,
ये सब इस जेल नोटबुक में दर्ज किया गया है, जेल डायरी में दर्ज किया गया है भगत सिंह के द्वारा। इसे एक बार फिर बहुत गंभीरता से पढ़ा जाना जरूरी है। और मैं बस अब इस कार्यक्रम का अंत इसी जेल डायरी में दर्ज एक कविता से करना चाहता हूं। जेम्स रसेल लॉवेल की एक कविता है जो आज के संदर्भ में और हमारे संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। आजादी नाम की कविता में वो कहते हैं, मनुष्य तुम वीर और स्वतंत्र होने का करते हो दावा, मनुष्य तुम वीर और स्वतंत्र होने का करते हो दावा, यदि धरती पर एक भी गुलाम मौजूद है तो तुम कैसे कर सकते हो यह दावा। यदि तुम्हारे देश में आज भी गुलामी का अस्तित्व है, फिर तुम अपने सीने पर आजादी और बहादुरी का तमगा कैसे लगा सकते हो। क्या तुम सचमुच नीच गुलाम नहीं हो? जब तक तुम्हारे अपने भाई तकलीफ में हैं, क्या तुम आजाद होने के काबिल हो? हमारे अपने लोगों को जंजीरों से मुक्त कराना ही सच्ची आजादी है। हम मानव जाति के कर्जदार हैं, क्या यह भूल जाना सच्ची आजादी है? नहीं, सच्ची आजादी है अपने जो लोग जंजीर में जकड़े हैं उनका दर्द महसूस करना और तन मन से उन्हें मुक्त कराने में जुट जाना। गुलाम वे हैं जो मजलूमों और कमजोरों के हक में बोलने से डरते हैं। गुलाम वे हैं जो नफरत, उपहास और गाली का सामना करने के बजाय सिकुड़े हुए चुपचाप बैठे रहते हैं। गुलाम हैं वे जो गलत होने के बावजूद होंगे बहुमत में, बजाय सही होने के बावजूद अल्पमत में। तो ये आज के संदर्भ में इसे पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगत सिंह को पढ़िए, समझिए। भगत सिंह को पढ़ना अपना देश, समाज, दुनिया को समझना है, आज़ादी के सही अर्थों को समझना है। तो फिर मैं कहूँगा कि भगत सिंह बनिए, भक्त सिंह नहीं या भक्त जन नहीं। शुक्रिया, सलाम और इनकलाब जिंदाबाद।